को लेकर क्या कहोगे? नशा का बारे में तो यही कहूँगे भाई, जो भाई नशा नहीं करता स्त्रियाँ स्वस्थ रहेगा उसका, जिस हिसाब से चीनी का कट्टा लिया, और नशा करते रहे तो भाई अगर नून की थैली भी नहीं उठेगी उसका, स्त्रियाँ के हालात हो जाएगी। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समण की राम राम, और मेरे पीछे देखने लाए रहे हो कल का एक बड़ा चर्चा का विषय है, और यू शामी जो जिसका गला में माला है और पूरा गांव के जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हैं, यू छोरा कल चीनी का कट्टा ठहर के लिया था बिठमड़ाता है समैन तक का, और कल का यू एक चर्चा का विषय बने हुआ है और पूरा गाँव इसने सम्मानित कराया अलग अलग तरीके से। आज घी दे के सम्मानित कराया, माला गाल के सम्मानित कराया, और नीचे दिखा देवे एक बारी सपरा की डोली दे के भी सम्मानित कराया है। इसने सम्मान करने का अलग अलग सबका तरीका हुआ है। तो बात करांगे कि कल जो मामला था, जो चर्चा में इतना पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत में यू जो चर्चा का विषय बनया है, किस कारण होया, के इसके मन में आई, किस तरह इसने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कराया था, बात करांगे सतीश गिल तय भी, और जो बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं जिसने सम्मानित कराया उन तय बात करांगे, क्योंकि समैन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उस इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त करांगे। आगे आ जाए मेरा गला गला है, सब तो पहला तो आप बुजुर्ग तय बात कर लेंगे जिसने सम्मानित कराया, सर राम राम। राम राम। आज के प्रोग्राम था यो, किस तरह के मामला था पूरा? भाई ये लड़का जो अपने गाँव की इसने पूरी इज्जत रखी है, मान सम्मान रखा है, हम भी इसका अपने मान सम्मान के लिए कुछ छोटा तो इसकी सेवा में इसका हौसला बढ़ाने के लिए आगे यू और काम भी अभी और अच्छे इससे बड़े बड़े काम कराए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। राहु जी आप क्या कहोगे, लगातार आप भी एक संघर्षरत रहे हो, आंदोलन में भी रहे हो, गांव के हर विषय में आप अग्रणी रहो, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आपका चैनल का कारण कि आपने जो एक गाँव के नौजवान अचीवमेंट की है उसको आप इतना हाईलाइट कर रहे हो, उसके साथ साथ जो गांव के लोग इसको सम्मानित करके इसका हौसला बधाई कर रहे हैं, जैसे अब चेलाराम शर्मा जी ने कहा इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और बाकी जो लोगों ने भी इनको सम्मानित किया सभी का मैं अपनी तरफ से गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। रही नौजवानों से अपील है मेरी कि वह ये कोई हमारी बिठमड़ा समैन की कोई टसल नहीं है, ये कि उसने ऑफर दे दी इस बच्चे ने स्वीकार कर ली और उसमें ये जीत हासिल करी, तो हम चाहेंगे जो पहले परंपरा रही है गांव की, चाहे खेल का मैदान है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, चाहे कोई जोर आजमाइश की बात है, उसमें एक अच्छी भावना मतलब और नौजवानों में भी जावा ताकि हम एक दूसरे से आगे निकलने की भावना हो, ना कि कोई दूसरी गलत भावना हो। इसके लिए नौजवानों से खास करके अपील करांगे कि वह जो नौजवान हैं हर क्षेत्र में, किसी का मतलब पढ़ाई के अंदर होता है, किसी का खेल के अंदर होता है, किसी का सांस्कृतिक, आज आपने जो नाम करे उससे पहले भी गांव के हमारे स्टार खिलाड़ी, चाहे वो कबड्डी के दलवीर सिंह रहे हैं, बलवीर सिंह बल्ली रहे हैं, चाहे वो राम बतेरी रही हैं, उनने जिस तरह नाम रोशन कराया, हम और नौजवानों से भी यही इच्छा रखते हैं, अपील करते हैं कि गाँव का और खेल के मैदान में, पढ़ाई के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में वो नाम रोशन करें। बात करा युवाओं की, आज नशे की ओर अग्रसर है, जो इस पहलवान ने कराया है, तो क्या कहोगे नशे को लेके, काफी जो युवा है नशे की ओर बढ़ रहे हैं? भाई जो ये क्वेश्चन आपका आज बहुत पीक पे, मतलब हरियाणा के अंदर पंजाब के अंदर आज सबसे ज्यादा जो नौजवान है, बल्कि जो खिलाड़ी भी हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे निकलने की उसमें नशे की तरफ चले जावा, जो कि बहुत गलत है। हम तो यही अपील करेंगे खेल जो शिक्षा देवा पर नशा से दूर रहो, और खेल के माध्यम से बल्कि जो कोई कर भी रहे वो नशा छोड़ने का या अपना शपथ लें, और अपने पूर्वजों को गांव के लोगों को आश्वासन दिलाएं भाई हम खेल के मैदान में या और मतलब जो क्षेत्र है उसमें अग्रणी रहेंगे, और उसमें नशा रोकने में
जो भी कोई और गतिविधि काम की होगा उसमें सहयोग देवांगे, यही अपील करूंगा मैं। दादा आगे आ जा थोड़ा। हाँ भाई बुजुर्ग, इस यहाँ पे सरता बड़े हैं, आपकी जो टेम होया करता, खाया पिया कर दे, कुश्ती लड़ा कर दे और इस प्रकार के काम कराया कर दे, किसा लग रहा है उस टाइम ने देख कर? ये बहुत बढ़िया लग गया भाई मन तो थोड़ा, और इसे सारे होने चाहिए। अच्छा। हाँ मारा दिल में अब जिसा यू भी होया नहीं, इसे मारे और भी हो है। जोर करे कर दे, बाजे कर दे, छाल मारे कर दे, सिस्टम छेड़े नहीं, बहुत बढ़िया मामला, तो बहुत बढ़िया लग गया छोरा का। तो देखो भाई, दादा ने भी यही बात कही है, पहला इनकी जवानी में भी इसे इसे काम होया करते जो सतीश गिल ने करके दिखाया है। यू राम कला का पोता है यू। अच्छा जी। हाँ, रेड़ा का पड़पोता। अच्छा। और बहुत तगड़े आदमी होए करते हो, मैं बताऊं तुम्हें, यू तो मतलब थोड़ा सा गात में भी हो तो बहुत तगड़े होए करते मौजूद आदमी। जी जी जी। हाँ। कैसा लग रहा है आपने, कल से लगातार प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहे, गांव पूरा जोर ला रहे सम्मानित करने पर, के कहोगे? बहुत बढ़िया लाई रहे भाई, मैंने इतना सोचे भी था जी, इतना गांव राम ने मेरा हैतर करने लाई रहे जी। तो जिस पर यो जो आप चैलेंज एक्सेप्ट करो हो, इस तरह मोड़ लीजिएगा? नू तो उन्होंने सोचा था भाई। अच्छा। फिर जितना सोचा था उससे ज़्यादा होगी जी। मैनू ये कहना चाहूँ, अपना सारे भाईचारा है, अपना भाईचारा बनाए कर रखना चाहिए। तो या तो नहीं है मन में किसी पार्टी को टसलबाजी हो, क्योंकि समयनकार बिठोड़ा का बहुत पुराना भाईचारा रहा है? ना ना, इसी कोई बात को नहीं। कोई बात नहीं होगी? ना ना। तो के युवाओं तक के संदेश देना चाहोगा? मैं तो इन्हें कहना चाहूँ, खाओ पियो बढ़िया, नशा नुशा तो नहीं करते? ना नशा कौन करते, करे तो नहीं, आगे नहीं करेगा? ना नशा कर दे नहीं, आगे की करेगा? आगे कभी किसी प्रकार का कोई, जो युवा नशा कर रहे हैं अपनी उम्र के, उन तक के अपील करना चाहूँगा? मैं तो यह कहना चाहूँ, नशा तो दूर रहो, खेलो कूदो और खाओ पियो। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे, जो आज आपने सम्मानित किया सतीश गिल को, के सोचा के कहना चाहोगे इसको लेके? पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं करण सिंह, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छी बात है गांव के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए। और इसकी चैलेंज किया, स्वीकार किया, उसकी जो विदेश में जा रहा था भाई, उसकी चैलेंज किया भाई, जो चिन्नी का कट्टा ले जाएगा भाई, उसकी नाम रखा, बहुत अच्छी बात है। इसी भाई गांव में जोश करके एक सेती पूरा जोश उठाया भाई, और किसी की तरफ इसी ध्यान नहीं दिया भाई, तेरे साथ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा भाई, तो इस मंजिल तक पहुंचागा ना पहुंचागा। लेकिन बहुत अच्छी बात, मैंने कल आकर देखी वीडियो आपकी, मेरा भी जोश उठा भाई, बहुत अच्छा काम कर समझने के लिए। और मैं यही कहूँगा भाई, पहले तो भाईचारा बनाएगा रखो भाई, जैसे बिठमड़ा हो भाई, इस तरह की चैलेंज देकर भाईचारा ना खराब करें, पहली बात तो ये है, क्योंकि इनमें छोटी छोटी गलती करने के बाद भाई बहुत बड़ा सिस्टम खराब हो गया है। अच्छा। क्योंकि तड़कन बड़ा गामों पे बात इसी छिड़ गया है भाई, वो भी चैलेंज करने लाई जाए, वो भी चैलेंज लाई जाए, फिर इसमें धनुआ की माटी कुटने का काम हो गया है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेहनत करो, या खेल की बात आओ या किसी चीज़ की भी आओ। नशे को लेकर क्या कहो? नशा का बारे में यही कहूँगे भाई, जो भाई नशा नहीं करता, स्त्रियाँ स्वस्थ रहेगा उसका, जिस हिसाब से चीनी का कट्टा लिया, और नशा करते रहे तो भाई अगर नून की थैली भी नहीं उठेगी उसका, स्त्रियाँ के हालात हो जाएगी। हाँ, और भाई का भाई तय दिल से धन्यवाद करिया है, और स्त्रियाँ में तो यही कहूँगा अगर लेवल पे भी बड़ा भाई इसका स्वागत हो, और उसी हिसाब से आगे के आगे चले सिस्टम। इस विवाह वीडियो आपने किसी लागी, इसने एक बार शेयर जरूर करियो, क्योंकि मान सम्मान की बात थी, इस बार इन्हें पूरे गांव पर बात आई, जब चैलेंज एक्सेप्ट करा, किसी प्रकार की किसी के साथ कोई टसल नहीं है, बिठमड़ा समैन का भाईचारा लगातार बना रहा, आगे भी न्यूए बना रहेगा, और कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं था इनका, भाई बिठमड़ा गांव को कोई नीचा दिखाने की बात हो या किसी प्रकार का चैलेंज कराया था, भाई यूएसए में बैठे इन्हें एक्सेप्ट कराया और वो चैलेंज पूरा भी कराया, आगे भी भाईचारा बना रहेगा। इस वीडियो में लगातार शेयर करते रहियो, अपडेट आपने देते रहेंगे, उस टाइम तक जय हिंद जय भारत।